राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे आप सब हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते? जी हाँ, हंसते खेलते और मुस्कुराते, ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, नानी बायरो मायरो, नानी बायरो मायरे में हमने देखा कि दादी दादी अपने बड़े पोते के लिए बहू ब्याह कर लाई है। बहुत ही खूबसूरत संस्कारी बहू लेकर आई है। खुश है कि हम घर में अच्छे घराने की बहू लेकर आए हैं। जब घर में लेकर आते हैं, कुछ समय बाद जब बहू रंग दिखाने लगती है, तो नरसी मेहता सबसे ज्यादा उसकी आंख में खटकते हैं कि किस प्रकार से मैं इस नरसी मेहता को अपने घर से निकाल दूं, अपने घर से। दादी मन में सोचती है, विचार करती है कि मैं क्या सोच के आई, क्या सोच कर लाई, और ये कैसी हमारे घर में बहू आ गई है। क्योंकि जब उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, तो बहू इंतजार करती इस बात का कि कब मेरे पति घर से बाहर जाए और मैं अपना बोलना शुरू करूं। अब दादी देखती कि बहू क्या करेगी, पति बाहर, बहू झाड़ू लगा। झाड़ू लगाते लगाते बोले, मेरे नसीब में तो यही लिखा है, बस झाड़ू झाड़ू लगाते रहो, कूड़ा साफ करती रहो, यही तो लिखवा के लाई हूं मैं अपने घर से। बहू बोले, दादी कहे, ला मैं कर देती हूँ। बोली, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। बोली, नहीं बहू तू आराम कर ले, मैं कर देती हूँ। दादी झाड़ू लगा दी, रोटी बनाई, तो बोली, ये लो, मैं तो चूल्हा झोंकने के लिए आई हूं, जब देखो रोटियां बना बना के इस गूंगे भैरे को खिलाते रहो। फिर दादी कहे, ला हो मैं बना देती हूँ। कपड़े धोए, दिन भर मैले कपड़े धोते रहो। जहां ये बोले, वहीं दादी काम करने लगी कि ला बहू मैं कर लेती हूँ। दादी पहले से ज्यादा सुख भोगने के लिए, अपने भोले नरसी को समय देने के लिए लेकर आई थी, परंतु सब कुछ विफल हो गया। बहू बहुत तेज निकली और बिल्कुल नरसी को पसंद नहीं करती थी। सोचती कि किसी भी तरीके से ये नरसी, मैं इस नरसी को कैसे निकालूं इस घर से। खटकता था वो उसकी आंख में। अब नरसी विचार कीजिए कि नरसी देखता था मेरी दादी परेशान है। नरसी की दादी सिर्फ और सिर्फ भोले अपने नरसी के लिए जीवित थी कि किसी तरह मेरा भोला नरसी बोलने और सुनने लगे। अब दादी कहती है कि भोला, कल कल शिवरात्रि है, भोले और माँ पार्वती शुभ विवाह, मंदिर सजा होगा, बड़े बड़े संत आए होंगे, भक्तों की लाइन लगी होगी, चारों तरफ हर्ष और उल्लास होगा, खुशी खुशी से सब नाच कूद रहे होंगे। हम कल मंदिर चलेंगे, भोले जी की पूजा अर्चना करेंगे और किसी अच्छे संत से आशीर्वाद लेंगे, ताकि तुम बोलने और सुनने लगो
नरसी बेहद खुश। दादी की बात सुन के नरसी खुश हो गए कि चलो अच्छा है, कल मंदिर में चलेंगे। अब नरसी जी दादी मंदिर जाएंगे और मंदिर में उनके साथ क्या होगा? मैं दर्शना शर्मा अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले प्रसंग में फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई।